सरका घाट में अमानवीय क्रूरता के मामले में पीड़िता बुजुर्ग राजदेई अपनी बेटी के घर में पुलिस के पहरे में रह रही है। राजदेई ने कैमरे के सामने पहली बार अपनी दास्तां बयान की है। राजदेई ने कैमरे के सामने बताया कि ग्रामीण जबरदस्ती उसे थकेल कर शमशान घाट ले जाने की फिराक में थे और उस दिन बड़ी मुश्किल से बच पाई है। ग्रामीण बुजुर्ग की टांगे तोड़ कर उसे मारने के लिए उतारू हो गए थे। सरका घाट में अमानवीय क्रूरता के मामले में पीड़िता बुजुर्ग राजदेई अपनी बेटी के घर में पुलिस के पहरे में रह रही है। राजदेई ने कैमरे के सामने पहली बार अपनी दास्तां बयां की है। राजदेई ने कैमरे के सामने बताया कि ग्रामीण जबरदस्ती धकेल कर शमशान घाट ले जाने की फिराक में थे और उस दिन बड़ी मुश्किल से बच पाई है। ग्रामीण बुजुर्ग की टांगे तोड़ कर मारने के लिए भी उतारू थे। कुछ ऐसा बोले इसको जनानियां बोले पीछे से मैं इसकी टांगे जो तो तोड़ दे नीसू टाने की तो है ना बाद में, पर पहले उसने बोला था इसकी टांगे तोड़ देंगे, इसको खत्म करेंगे। इसने मेरे पापा को खाया, तीसरा साल लग गया उसको बेचारे को, पुजारी को बड़ा अच्छा आदमी था। और वो बाद में बोलते मेरा चाचा भी इसने खाया, आज तक इसने 70 आदमी खाए। वो ऐसे आवाज लगाया तो पीछे से लोग भी ऐसा बोले सारे। मैंने कहा हमने क्या करना, तो ठीक है मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी बेटी के साथ ऐसा नया होया, अगर उनको छोड़ देंगे तो ताहे भी नहीं मारनी हूँ, नया होना चाहिए। 6 नवंबर के दिन हुई घटना में सरका घाट में गांव समाहल में 81 वर्षीय राजदेई के साथ गांव वालों ने मुंह पर कालिक पोत कर गले में जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया था। यही नहीं, इस सारे प्रकरण का गांव वालों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था, जिसके बाद मामला सबके ध्यान में आया। उसके बाद पुलिस ने हरकत में आकर 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी किया है। मामले में सरका घाट कोर्ट में केस चला हुआ है और सभी 24 आरोपियों को जिसमें महिलाएं भी शामिल है, सभी की पड़ताल चली हुई है। आपको बता दें कि राजदेई के पति पूर्व सैनिक थे और कुछ साल पहले ही पति की मौत हो चुकी है और राजदेई की दो बेटियों की शादी भी हो चुकी है। वहीं राजदेई के दामाद के घर में पुलिस की तैनाती सुरक्षा के लिए होने पर राजदेई कुछ हद तक जांच पड़ताल से संतुष्ट दिख रही हैं। राजदेई की एक ही मांग है कि समाज और धर्म के नाम बने ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। निंदनीय घटना के बाद राजदेई पूरी तरह से टूट चुकी है और किसी से भी बात करने के लिए राजी नहीं हो रही है। पूरी तरह से सहमी हुई राजदेई को किसी से भी न्याय की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मीडिया के पास घटना के आने के बाद अब राजदेई को कुछ उम्मीदें जगी हैं। राजदेई ने बताया कि लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि गांव के लोगों को मार रही हूं, जिसके चलते लोग डाइन भी बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं तो अकेली घर पर रहती हूं और किसी को मारने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं आंगन में खड़ी थी। अच्छा जी। और ऐसे लगे जोर जोर से जनानियां चलाने लगी, डैन है अपने डैन है। अच्छा। मेरे को नहीं पता भाई क्या डैन। फिर क्या हुआ जी? मेरे को दो काम थे, एक रोटी बनाना जो अपना काम करना, खाना रोटी कमाना जी। फिर वो नहीं भाई माने, फिर उन्होंने क्या किया मेरे मेरे शरीर के ऊपर वो देव फेंक दिया पूरा 3 घंटे और मेरा गला जो सूख गया पानी के बिना। अच्छा जी। किसी ने पानी नहीं पिलाया। मैंने क्या करना, मैं तो अकेली थी और मेरी बेटी बेचारी ऐसे खड़ी थी साइड में, 6 तारीख की बात है, वो ऐसे खड़ी थी तुलसी चौरा उसके पास। वहाँ से फिर 2-3 बंदियों ने घसीटा उसको, उसके लंबे बाल थे बाल भी निकाल दिए उसके, मारे उसको मुक्के, तू भी डैन है। एक आदमी ने क्या करना, दो ने। मामले को लेकर राजदेई के दामाद अजय ठाकुर ने बताया कि जो 24 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उनसे पता किया जाए कि इन लोगों को किसने बुजुर्ग के मारने के लिए उकसाया है और अगर इनमें से ही आरोपी है तो बुजुर्ग के साथ ऐसा करने के लिए क्यों लोगों ने कदम उठाया, इसका पता लगाया जाए। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार को कानून बनाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाए तो उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। गांव में इससे पहले भी घर पर लोगों ने तोड़फोड़ की थी और शिकायत करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोग देवताओं के नाम पर अपना तानाशाह तरीके से रवैया अपनाए हुए हैं, जिस पर कार्रवाई करना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने जांच पर संतुष्टि जताई और कहा कि न्याय मिलना चाहिए। जो 24 लोग पकड़े हैं इनको किन लोगों ने उकसाया, क्या वो उकसाने वाले लोग इन्हीं में हैं या वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं,
तो पुलिस इस चीज की सत्य सामने लाया है कि जिन लोगों ने भी इनको उकसाया है, क्या वो जेल में है या बाहर घूम। तो किस वजह पे आप मांग कर रहे हैं कि क्या है इसके पीछे, मतलब हत्या करने कोशिश की? उन लोगों की इंटेंशन ऐसी थी कि हम इसको शमशान घाट पे ले जाकर के मार देंगे। पानी मांग रही थी, वीडियो मैंने देखा, कल देखा, पानी मांग रही थी, तो पानी को बोला इनको कि पानी शमशान घाट पे जाके पिलाएंगे। तो इससे क्या जाहिर होता है कि वो वहां पे क्या करने के लिए जा रहे, किस चीज के लिए ले जा रहे थे ऐसा काम करने के लिए? तो ये तो बिल्कुल वहां पे उनकी हत्या करने जा रहे थे और इनके ऊपर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। और ये भी कानून बनना चाहिए कि अगर कोई देवता के नाम पर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करे तो उसको मृत्युदंड होना चाहिए।